वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज शमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी देखते हो देन वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। बट इफ यू आर न्यू, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई डू वीडियोज ऑन मेकअप, स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक, लाइक ऑल दिस स्टफ। एंड आई हैव अनदर चैनल विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक। सो बेसिकली दिस इज माई सेकेंड चैनल एंड वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे कि ये जो सीरीज है मैं दिवाली मेकअप सीरीज के उस तरीके से कुछ बनाने का ट्राई कर रही हूँ। सो आई एम एमिंग टू मेक एटलीस्ट 3 वीडियोज बिफोर दिवाली। सो दिस वन विल बी वेरी 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 इजी टू अचीव। बेसिकली बिगनर स्पेशल, बिगनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल दिस गोना बी वेयर वी विल नॉट यूज एनी फाउंडेशन, लाइक नो फाउंडेशन, नो कंसीलर। दिस मेकअप लुक विल बी, सो ये जो फेस है अभी कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है, ऐसा हम इसको बनाएंगे विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ मेकअप। लाइक मैं बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट हम यहाँ यूज करेंगे इस मेकअप को करने के लिए। एंड फेस मैंने ऑलरेडी जो है प्रेप कर लिया है अच्छे तरीके से, मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग। मेकअप बच जाता है विच विल टेक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, उससे ज़्यादा का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब घर में रह करके किसी फेस्टिव सीजन को, यू नो, किसी फेस्टिवल को इन्जॉय करना है किसी ऐसी ओकेजन पर। सो दिस मेकअप विल बी वेरी वेरी परफेक्ट फॉर देम एंड इसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेकर के मैरिड वुमेन कोई भी कैरी कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो इंस्टेड ऑफ प्राइमर आई विल यूज मैक का स्ट्रॉ क्रीम वंस अगेन बिकॉज आई वॉन्ट दैट विद इन ग्लो। So I have taken this much and I will apply. I'll focus on high points of my face so that वो एक अच्छा सा within सा glow मुझे मिले। Alright, so strobe cream is done on my face. Now we'll move on to BB cream. Instead of foundation or concealer, I'll just apply a coat of BB cream. I'm using this BB cream from NYX and it's a tinted skin well, bear with me. And it's like very similar to my skin tone as you can see। अगर आपकी स्किन बिल्कुल यू नो ग्लास स्किन टाइप है तो आप बीबी क्रीम भी स्किप कर सकते हो, बट आई हैव दिस पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग सो ऑब्वियसली आई हैव टू गो फॉर समथिंग, लाइक बेस चाहिए ही मुझको। सो दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग दिस बीबी क्रीम बट अ वेरी लिटिल अमाउंट में हम इसको स्प्रेड करेंगे। बस एक मुझे हल्का सा बेस मिल जाए, ठीक है, थोड़ी सी स्किन मेरी इवन हो जाए, सिर्फ उसके लिए। अगर हल्का सा पिगमेंटेशन वगैरह दिख रहा है दैट्स टोटली ओके, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि नेचुरल लुक कर रहे हैं ना, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी फुल कवरेज और एनीथिंग लाइक दैट। आई विल अप्लाई द सेम दिस बीबी क्रीम ऑन टू माई आईलेट सो दैट जब हम आईज पर कुछ वर्क करें तो उसको एक बेस मिल जाए। एंड जो भी रेसिड्यू है इसमें स्पॉन्ज में आई विल ड्रैग इट डाउनवर्ड ऑन माई नेक। All right, so my face is done, like my foundation or BB cream, whatever you want. If you want, obviously you can go for foundation also. It's done. Now quickly, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट आज यूज़ करने वाली हूँ, उससे ज़्यादा हम लाइक 5 या 6 प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैंने यहाँ पर ये अर्बन डी के नेकेड का ये जो फेस पैलेट है ये लिया हुआ है एंड इसमें एक्चुअली एक साइड आपको लिक्विड मिलता है और एक साइड आपको पाउडर मिलता है। सो लिक्विड नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं कुछ भी कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको हाइलाइटर, ब्रॉन्जिंग एंड जो कंसीलर, जो पाउडर है वो सब कुछ मिल जाता है। सो आई विल यूज ओनली दिस पैलेट टूडे एंड आई विल टेक दिस कंसीलर शेड, द लाइट शेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विल ब्रश अंडर माई आईज। बहुत ज्यादा पाउडर नहीं कर रही हूँ फेस पे बिकॉज आई वॉन्ट दैट नेचुरल लुक। बहुत ही लाइट हैंड से, क्योंकि ये जो मूवमेंट जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादा होता है वो उस एरिया को सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्रीज पड़ जाते हैं। इट्स डन, इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल लग रहा है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ओके, नाउ आई विल टेक दिस ब्रॉन्ज शेड फ्रॉम हेयर बिकॉज मेरा फेस थोड़ा सा मोटा है, ऑब्वियसली आई नीड द डेप्थ एंड शेडो बैक, सो आई विल जस्ट यूज इट एज अ ब्रॉन्जिंग। मैंने पूरे फेस पर पाउडर नहीं लगाया था बिकॉज अगर मैं ज्यादा पाउडर की लेयर करूंगी तो वो एट द एंड हैवी एंड केकी लगेगा। सो जहां मैंने पाउडर नहीं लगाया वहां पर मैं ब्रॉन्जर वाला जो पाउडर है शेड वो यूज कर रही हूं। ठीक,
नाउ देयर इज नथिंग ऑन दिस ब्रश, बिल्कुल क्लीन है. आई यू नो एक बारी और सर्कुलर मोशन पर जहां जहां भी ब्रॉन्जिंग वगैरह किया है वहां इसको ऐसे ब्रश करूंगी जिससे कि कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो वो हट जाए. After bronzing, quickly we'll move on to face. And face के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिवोल्यूशन का पैलेट जिसमें बहुत ही सारे प्यारे प्यारे से कलर हैं. ब्लशर ब्रश फ्रॉम हेयर एंड विल टेक दिस कलर क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बेस नहीं किया है. आई वॉन्ट दैट यू नो अ ब्राइट पिंक ऑफ फ्लश ऑन माई फेस सो दैट थोड़ा सा लगे कि हाँ बहुत कुछ कर ले विदाउट यू नो बहुत ज्यादा मेहनत की अच्छा सा एक फेस पर लुक मिल जाए. सो आई एम यूजिंग दिस ब्राइट कलर, अ लिटिल ब्राइट, बहुत ज्यादा नहीं है. एंड इसको मैं मर्ज कर रही हूँ जो ब्रॉन्जर शेड लगाया था उसके साथ में. कैन यू सी द डिफरेंस? उसके बाद आई विल टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर वंस अगेन एंड विल बाउंस इट ऑल ओवर माय फेस सो दैट जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो इसमें पिक हो जाए. स्पेशली आई विल फोकस इन दिस एरिया जहां पर ब्रॉन्जर एंड ब्लशर ऊपर से लगाया था. ओके okay, so the next is highlighter. Again, I'll take this Urban Decay palette and we'll take this highlighter shade from here and we'll apply on the high point of my face. And can you see it has very sheen effect and bahut hi acha highlighter hai ye. See? ओके सो आवर फेस इज डन हेयर. नाउ आई विल मूव ऑन टू आईज और मैं आईब्रोज को सेट करने के लिए लाइक डिफाइन करने के लिए यूज कर रही हूँ जो स्लीक का जो आईब्रो डिफाइनर है वो. All right, so my eyebrows are done. Now we'll move on to eyes, and this is the very fun part because in this video I'm not using any eyeshadow. All right, I will use this blush palette from Revolution, and zarurat padi to maybe I'll use you know bronze shade from here. But for now we're gonna work with this blush only. No eyeshadow palette we're gonna use in this video. So आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने कम प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं. दैट वॉज द रीजन आई यूज दैट ब्राउ डिफाइनर क्योंकि ब्लशर में कोई भी ब्लैक कलर नहीं होता है. राइट, सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज मैं ये वाला जो कलर जो हमने चीक पर मैंने लगाया हुआ है वही कलर ले रही हूं इधर से एंड आई अप्लाई एज अ ट्रांजिशन शेड. आई लाइक ऑलमोस्ट पूरी की पूरी लिड पर ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूं. एंड जो इस तरीके के कलर्स होते हैं वो किसी भी आउटफिट पर चल जाते हैं. सॉरी सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छा कौन सा आउटफिट इसके साथ पहनना होगा. बहुत ही यूनिवर्सल से कलर होते हैं. As you can see, बहुत ही प्यारा सा हमको एक पिंक कलर मिल गया है ब्लश से. What else you want, right? Okay, so I'm taking this जो शिमर शेड है यहाँ पर जो उसको मैं रिंग फिंगर से लेकर के लिड पर इसको अप्लाई करूंगी. Wow. बहुत ही रोज गोल्ड टाइप का ये मुझे लुक मिला है एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे ऐसा अच्छा लुक मिलेगा किसी यू नो बिना किसी मेहनत के. एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है ये. ओके सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश हेयर बिकॉज मुझे थोड़ा सा प्रिसाइसली इसको अप्लाई करना है. काइंड ऑफ सॉफ्ट क्रीज टाइप का मैं चाह रही हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक तो मैंने ये बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीज रेडी की है एंड हम इसको यहां तक ले जाएंगे पूरा हाफ वे से ज्यादा. यू सी राइट, सो यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा मुझे कर्व मिल गया है एंड ये हाइलाइटर है. कैन यू बिलीव? ऑल राइट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिंक एंड बहुत ही ज्यादा पिंक पिंक सा लग रहा है. मुझे डेप्थ नहीं लग रही है वो क्रीज में जो चाहिए होती है बेसिकली कट क्रीज टाइप की. तो उसके लिए मैं ले रही हूँ बिल्कुल ये डार्क कलर का जो ब्रॉन्जर शेड है एंड आई विल अप्लाई ऑन द आउटर एरिया. बहुत बाहर नहीं निकाल रही हूं, सिर्फ इस साइड में. ओके, बहुत हल्का सा, परफेक्ट. ओके, नाउ
अगेन विल टेक दिस पिंक कलर एंड विल डू माय वाटर लाइन. नेक्स्ट आई विल टेक दिस हाइलाइटर शेड फ्रॉम अर्बन डिके जो मैंने अपने फेस पर लगाया था एंड विल हाईलाइट द ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर अ बिट. काजल नाउ एंड विल अप्लाई हियर. I don't know why, but pink के साथ जो black color होता है, it goes really good. All right, so eyes are done. Now next move on to mascara. And mascara से पहले I'll curl my lashes. Mascara I'm using NYX Doll Eye. So very thin, precise mascara and बहुत ही easy है लगाना. ऑल राइट, सो मस्कारा इज डन. मैं कोई भी फॉल्सीज नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ऐसा कि लगाना होता है फॉल्सीज. यस, एंड आई लाइनर भी नहीं लगाया है मैंने बिकॉज नीचे है एंड आई गेस दे आर लुकिंग नाइस, है ना. लेट्स मूव ऑन टू लिप शेड. सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बर्बरी का ये जो रेड है, हॉलीवुड रेड कलर टाइप है. इसका शेड है इट्स नंबर 37 रेगिमेंट रेड. रेगिमेंट और रेजिमेंट रेड. ओके, इट्स अ मैट शेड बट बहुत ही प्यारा सा कलर आता है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट दिखता है बट इट्स अ ब्राइट रेड कलर. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे न्यूड कलर मेरे फेस पर बिल्कुल भी नहीं खिलते हैं. सो आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो फॉर यू नो ब्राउनिश या फिर जो रेड कलर होते हैं वो. ऑल राइट, सो वी आर डन. एंड लिप शेड भी लग चुका है. लास्ट बट नॉट लीस्ट आई स्प्रे सम सेटिंग स्प्रे ऑन माई फेस एंड आई एम यूजिंग NYX Dewy Finish. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, इवन नो आई शेडो पैलेट लुक. आपके सामने ही मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. सब कुछ आपके सामने है. कितने मिनिमल प्रोडक्ट आए कि 4 प्रोडक्ट एंड वी आर डन, है ना. 10 मिनट भी नहीं, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल किया है. सो इट टुक मी समवेयर अराउंड 10-15 मिनट्स. बट ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा का तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. आई डिडंट लाइक मैंने यहाँ पर कोई आउटफिट इसमें इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग out, I'm not stepping out and I just did this tutorial for you all. So मैंने बस ये जो normal red चुन्नी है वो डाल लिया है थोड़ा सा एक contrast देने के लिए. आप कुछ भी outfit you know उस पर carry कर सकते हो. lip shade जो है वो आप change कर सकते हो, totally upon you. If you are college going girl, obviously सिंदूर के बिना इस makeup को carry कर सकते हो neutral lips के साथ. and I really hope आपको पसंद आया होगा मेरा ये एफर्ट. हाँ, यस, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होती है मुझसे. अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू वॉच. आई एम प्लानिंग टू डू अनदर 2 वीडियो फॉर दिस दिवाली सीरीज. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट मीन्स लॉट टू मी. एंड मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय दिस फेस्टिव टाइम विद योर फैमिली. आई विल सी यू सून.